नमस्कार, वक्त हो गया है 5W1H का, यानी खबर की हर एक डिटेल आपको हम बताएंगे। मैं हूं आपके साथ परयुधी शशि। लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई के केंद्र में अब एक बार फिर 84 दंगों का मामला आ गया है। सैम पित्रोदा के 84 दंगों पर हुआ तो हुआ वाले बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये तीन शब्द कांग्रेस का चरित्र और अहंकार दर्शाते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का हमला, कहा 84 के दंगों में इतने लोगों की जान गई। कांग्रेस कहती है हुआ तो हुआ। रोहतक की रैली में पीएम ने कहा हुआ तो हुआ कांग्रेस का चरित्र। आज दिल्ली और अमृतसर में सैम पित्रोदा के खिलाफ सिखों ने प्रदर्शन किया। सिखों ने सैम पित्रोदा पर कार्रवाई करने की मांग की है। सैम पित्रोदा ने कहा था 84 में जो हुआ सो हुआ, 5 साल में बीजेपी ने क्या किया। सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों को लेकर अपने बयान पर सफाई दी, कहा मैंने तो पूछा 5 साल में सरकार ने क्या किया। आखिरी दो चरणों से पहले 84 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर बीजेपी को सैम पित्रोदा के विवादित बयान से नया हथियार मिल गया है। हुआ तो हुआ वाले बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि ये तीन शब्द ही कांग्रेस का असली चरित्र दिखाते हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अहंकार में है, कांग्रेस के लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं। आज के जो कांग्रेस के नामदार अध्यक्ष हैं, उनके वो गुरु हैं। इन्होंने कल टीवी के सामने साफ साफ बोल दिया, अगर 84 में दंगा हुआ हुआ तो हुआ, इनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए मनुष्य मनुष्य नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा के बयान से सिख समुदाय गुस्से में है। सिखों ने आज दिल्ली और अमृतसर में पित्रोदा के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी से माफी की मांग की है।